आवाज घुमाना चाहिए। शिनचान, शिनचान कहाँ हो तुम? अभी आया। बोलिए मैम। जब मैं तुम्हें आवाज दूं तो जल्दी आया करो। ओके। शिनचान, बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम एक काम आजकल नहीं करते, वो है शीरो को घुमाने का। जाओ इसी वक्त शीरो को बाहर घुमाने ले जाओ। क्या मुझे जाना पड़ेगा? तुम्हें क्या लग रहा है मैं किसी और से बात कर रही हूँ? मेरे पास समय नहीं है, तुम ही को जाना होगा। मेरे पास भी समय नहीं है, आप जाइए मैम। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मुझे घर में कितने काम होते हैं। अगर तुम शीरो को घुमा कर लाओगे तो मैं तुम्हें खाने के लिए एक बढ़िया सा स्नैक दूंगी। बोलो तुम्हें स्नैक खाना है या नहीं? तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? तो तुम जाना नहीं चाहते? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे किसी और तरीके से समझाना पड़ेगा। जाते हो या नहीं? मैं शीरो को घुमाने ले जाता हूँ। अरे शिनचान तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? मेरे पैर में चोट लग गई, लगता है मेरी हड्डी टूट गई। प्लीज। ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ, अब तो तुम शीरो को घुमाने नहीं ले जा पाओगे, है ना? अपनी सही कहा, मैं नहीं जा पाऊंगा। सुनो क्वांटम रोबोट, जल्दी से खड़े हो जाओ। क्वांटम रोबोट तैयार है। दिश 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 दिश। अब कैसे खड़े हो गए तुम? हाँ? जल्दी आना बेटा। अरे वहाँ मत जाओ, वहाँ एक अजीब अंकल रहते हैं, इधर आओ। अरे यहाँ भी नहीं, पार्क के अंदर तुम्हें नहीं ले जा सकता। अरे शुरू में ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं थक चुका हूँ, चलो नीचे आओ। अरे ऐसा मत करो लिली। शीरो हमें घर जाना होगा, मुझे टीवी देखना है। चलो जाओ यहाँ से, भागो। ये तुम क्या कर रहे हो शीरो? तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। ये तो मेरा फर्ज था दीदी। तुम्हारा डॉग बहुत क्यूट है, क्या नाम है? मेरा नाम है शिनचान नोहारा और मैं 5 साल का हूँ, मुझे चॉको चिप्स पसंद है। मैंने तुम्हारा नहीं तुम्हारी डॉग का नाम पूछा था। ओहो, इसका नाम है शीरो। और ये है लिली, ये माल्टीज ब्रीड की है। मेरा शीरो शायद ये कॉटन कैंडी ब्रीड का है। मैंने ऐसा नाम पहले नहीं सुना। अच्छा बताइए आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम है सवाको। सवाको अच्छा नाम है। शिनचान नाम भी अच्छा है। और घर पर भी मुझे सब शिनचान ही बुलाते हैं। क्या मैं भी शिनचान बुला सकती हूँ? अरे शिनचान ये तो बताओ आज तुमने क्या क्या किया? आज शिनचान कुछ अलग नहीं लग रहा है। आज मैं शिनचान से बहुत खुश हूँ, आज इसने मेरी बात मानी और शीरो को घुमाने ले गया। ये अब समझदार हो गया है ना? ये सुनकर मुझे भी अच्छा लगा कि शिनचान अपनी जिम्मेदारी समझने लगा है। शाबाश मेरे बेटे शिनचान, हमेशा ऐसे ही रहना। इसमें इतनी तारीफ की कोई बात नहीं है। शिनचान, अरे कहाँ चला गया ये लड़का? आज शीरो को घुमाने नहीं ले जाना क्या? मैं शीरो को घुमाने ले जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अरे शीरो आराम से। ये अपने आप शीरो को घुमाने ले जा रहा है।
धाम हम जा रहे हैं। मुझे कुछ बताना है। क्या हुआ दीदी, आप आज कुछ परेशान लग रही हैं। मुझे पता है तुम और शीरो हमारे अच्छे दोस्त बन गए हो, लेकिन बात यह है कि कल से हम घूमने के लिए नहीं आ पाएंगे। शिनचैन, कल हम ये शहर छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। उम्मीद है तुम मुझे और लिली को याद रखोगे। हाँ याद रखूंगा दीदी। शिनचैन, शीरो, आज तुम लोग घूमने नहीं जा रहे? हमें नहीं जाना। अरे शीरो भी बाहर नहीं जाना चाहता। जब शीरो ही नहीं जाना चाहता तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। शिनचैन रुक जाओ तुम। मैं नहीं चाहती कि आज के बाद तुम फिर ऐसा करो, समझे? अरे मॉम, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैंने कुछ भी तो नहीं किया। कुछ भी तो नहीं किया? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? मैं खेलने जा रहा हूँ। रुको। शिनचैन, तुमने सारे घर में ड्राइंग करके सारे घर को खराब कर दिया है। किया है या नहीं? खराब नहीं किया है मॉम, ये तो कला है। अब बेकार की बातें करना बंद करो। और तुमने शीरो के साथ क्या किया है? और तुमने वो लिपस्टिक इस्तेमाल की जिसे तुम्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए था। मेरी सबसे अच्छी और महंगी लिपस्टिक है ये। अब बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ शिनचैन? ठीक है मॉम, मैं आगे से सिर्फ लाल और भूरी रंग की लिपस्टिक ही इस्तेमाल करूँगा। नहीं, आगे से मेरे मेकअप को तुम हाथ नहीं लगाओगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? ये मेरी शर्त नंबर 46 में लिखा है, क्या तुम भूल गए हो? तुम्हें फिर से याद दिलाऊं? वो सब तो ठीक है मॉम, लेकिन ये तो बताइए शर्त का मतलब क्या होता है? आप अचानक सोने क्यों लगी मॉम? शिनचैन, एक बात बताओ, तुम्हें मेरी कितनी शर्तें याद हैं? मुझे याद है मॉम, मुझे एक और दो शर्तें याद हैं। तुम्हें बस दो ही शर्तें याद हैं? अच्छा बताओ वो कौन सी शर्तें हैं? अगर वो दो शर्तें भी तुम्हें याद नहीं है तो चलो मेरे साथ फिर से याद करो, बोलो। अरे हाँ मुझे याद आया, मुझे अभी शीरो को घुमाने लेकर जाना है, मैं आकर याद करता हूँ। नहीं, अभी याद करो। मॉम की शर्तों की लिस्ट। शर्त नंबर एक, मुझे डेट की तरह नकल नहीं करनी। शर्त नंबर दो, चार, मुझे शिमला मिर्च भी है खानी। और शर्त नंबर पाँच, मुझे शाम 5 बजे तक घर है आ जाना। शर्त नंबर छह, डैड को सोते हुए मुझे परेशान नहीं करना। सुबह अच्छे बच्चों की तरह जल्दी उठकर तैयार होना चाहिए। जो मैं गलती करता हूँ उसको मान लेना चाहिए। ले 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 ला 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 ला। मैं एक्शन कामिन के साथ नाचू ला ला ला। अशीरो मेरे साथ बैंड बजाए ला ला ला। शर्त नंबर 12, खाना खाते वक्त जरा भी नहीं हंसना। सुबह अच्छे बच्चों की तरह जल्दी उठकर तैयार होना चाहिए। जो मैं गलती करता हूँ उसको मान लेना चाहिए। और मम को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। मैं एक्शन कामिन के साथ नाचू ला ला ला। अशीरो मेरे साथ बैंड बजाए ला ला ला। लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं होता। शर्त नंबर 31, शीरो को घुमाते वक्त। शीरो रुको, कहाँ जा रहे हो? शर्त नंबर 52, घर की बातें घर में ही रखो। शीरो रुक जाओ, वहाँ मत जाओ। और कौन सी चीजें हैं जो मुझे नहीं करनी? Ugh.
मैं और मम एक्शन कॉमेडी की मूवी देखने गए।